आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से। तो गुड मॉर्निंग आप सबको। तो आज है जुमेरात और क्या बोलते हैं, आज बच्चे लोग का पीटी है और मैं क्या बोलते हैं, अभी कितने दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, बहुत दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ। इतने दिन से ब्लॉग ही नहीं बनाई थी, जब से अम्मी गए जिस दिन लास्ट टाइम जब भी ब्लॉग बनाई थी उसके बाद नहीं बनाई। तो लोग खा रही दूध चौकोस, ये लोग के बार बार सब बना दी मैंने। खिचड़ी बनाती हूँ आपको, किचन में मैंने बनाई खिचड़ी और ठंडी करने के लिए रखी उधर पंखे के पास। यहाँ पर क्या बोलते हैं, टिफिन में शेजवान चटनी के डब्बे डाल दी, इसके अंदर शेजवान चटनी है और खिचड़ी। बनाने के बाद मैंने खिचड़ी बनाई आज, दिनों के बाद बनाई। ज़्यादा मतलब ऐसे हो गया था, सुबह उठने का बिल्कुल दिल नहीं करता ऐसा लगता, लेकिन नींद आ रही बहुत। लेकिन क्या बोलते ना, बच्चे लोग को उठाना ज़रूरी है, उठना भी ज़रूरी है, क्या बोलती माँ। तो आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए व्लॉग बना रही हूँ। आज मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने पहली बार टिफिन बनाई और मेरे को बनाने भी आ गया, मतलब पहले फर्स्ट टाइम में तो नहीं आया, मैंने बहुत ट्राई करी, दो तीन बार, तीन चार बार ट्राई करी, फिर उसके बाद फिर थोड़ा जमा, फिर जमते, फिर मतलब बहुत बार ट्राई करी मैंने ऐसा, और फिर जाके ये बन गया फाइनली। तो क्या बोलते, इसके लिए बहुत मगजमारी हो रही थी और बन गया है ना आलिया, बताओ मैं पीछे से बता दिया, पीछे से आ गया। अब मैं इसका ना एक वीडियो बना के डालूंगी, इसे बिन कैसे बनाते बोलो, क्या देख रही है ऐसा बता। अलीना देखो कैसे सो रही उधर, हाँ अच्छी लग रही। हाँ क्या देख रहे हैं सोच क्या हो रहे, आग बंद कर रही है, आग बंद करके इतनी नींद आ रही सना। हाँ सना, सना बोलते हैं आग बंद करके दूध चौकस खा रही थी। हाँ सना आग बंद करके खा रही, बक्कल रख लेना साथ में, खुल गया ना कभी बक्कल लगा लेना, लाली बक्कल इधर, ये बक्कल रखा है कान में से, टीच मार क्यों दुख रहा बताओ, ये ऐसा होता है, ये तड़कता ना हो तो ऐसे होता, तुम अभी इसको ज्यादा फैलाओ मत, हाँ ठीक है। तो अलीना पापा भी हो गई रेडी स्कूल जाने के लिए, है ना पापा। लग रहा था बुरा कि मैंने चना दीदी को प्यार करती, पर ऐसा नहीं है, मैं सबको बराबर प्यार करती, उल्टा तुमको ज्यादा प्यार करती, पता है कि तुमको सबको पता है ना, आप लोगों को पता है ना मैं अलीना को ज्यादा प्यार करती। चलो अब अलीना जाएंगी स्कूल, फिर मैं अपना काम करूंगी फटाफट। और आज तीनों का पीटी रहता था, तीनों की पीटी की ड्रेस है, 12:30 हो गई, ये चले गए आज और इनको थोड़ा काम से बाहर जाना था, इसलिए जो है परवेज ही छोड़ेगा इन लोग को, इसको और शाजिल को, फिर अलिया सना को लेके आएगा, है ना मैम। चलो टाइम हो रहा है, चलो जाओ फिर, अभी चौथे माले पे चले जाओ, ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़। इधर देखो सब लोगों को बोलो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं रात हो चुकी है और मैं अभी किचन में आई हूँ दाल गोश्त बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने गोश्त को जो है ना पानी में डाल के रखी थी, तो गोश्त बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा नहीं डालने का था मेरे को, इसके लिए मैं इसमें से निकाल रही थी कुछ कुछ गोश्त, और कुछ कुछ जो है बहुत बड़े बड़े पीसेस थे तो मैंने उसको कट कर ली। और यहाँ पर पीले वाले कटोरे में आप लोग देख सकते हैं मैंने सब दालें जो है भीगने के लिए डाली, उसमें है मूंग की दाल, थोड़ी थोड़ी मसूर की दाल, तुअर की दाल और चने की दाल, तुअर की दाल जो है ज़्यादा है। तो यहाँ पर कुकर में मैंने डाल दी तेल, अब गोश्त जो है थोड़ा जो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोली थी ज़्यादा था, तो मैंने थोड़ा सा निकाल के फ्रीज़र में रख दी और ट्राईपॉड को थोड़ा सा सेट कर ली। और यहाँ पर गरम मसाले में मैंने ली हूँ ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, थोड़ा सा शाजीरा, और शाजीरा तो वैसे मैं स्किप ही करती हूँ लेकिन ले ली, थोड़ा सा लौंग ले ली और इलायची ले ली तीन चार, और तेज़पत्ता जो है अंदर डब्बे में था तो तेज़पत्ता निकाल ली अंदर से डब्बे में से। तो अब ये सारी चीज़ों को मैंने तेल गरम करके उसके अंदर डाल दी गरम गरम तेल में, और उसके बाद मैंने इसमें कांदा डाली, कांदा डालने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें डाली
थोड़ा सा नमक, और यहाँ पर जो है ना मैं पुलाव का मसाले के पैकेट पे पढ़ रही थी कि कैसे इसकी बनाना, कि इसकी रेसिपी कैसी है, क्योंकि मैं मटन पुलाव बनाने वाली हूँ या फिर चिकन पुलाव बहुत जल्दी। शान का या कुछ लक्की का मसाला है शायद, हाँ। तो यहाँ पर मैं दालें दिखा रही थी, दालों को मैं जो है ना पहले भीगने के लिए रख देती हूँ, तो दाल पहले जब भीग जाती है ना तो बहुत अच्छी बनती है और फटाफट गल भी जाती है, मतलब स्वाद भी आता है पकने के बाद। तो यहाँ पर कांदा जो है ना थोड़ा टाइम लग रहा था इसको गुलाबी होने में, तो मैं इसको थोड़ा अच्छा लाल करूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी बाकी के मसाले। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, उसके बाद डायरेक्ट मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ, और गोश्त डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे, और क्या बोलते हैं, अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है ना दिख नहीं रहा था सही से, इसलिए मैंने आलिया को बोली कि आलिया ट्राइपॉड पकड़ने। इसके बाद मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची को जो है बीच में से 2 टुकड़े कर ली थी, वो हरी मिर्ची मैंने इसमें डाली। इसके बाद इसमें मैंने घर का मसाला डाली दोनों कुटा हुआ, इसके बाद हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर है अगर आपके पास तो डाल सकते हैं, नहीं तो गरम मसाला तो वैसे भी हमने डाले रखा तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा गरम मसाला हो जाएगा तो भपका हो जाएगा। इसके बाद मैंने टमाटर डाली, टमाटरों को जो है ना ऐसे मैंने लंबा लंबा कट कर ली, और टमाटर डालने के बाद जो है इसको अभी मैंने थोड़ा पकने के लिए छोड़ दी, तब तक मैं इसमें पानी निकाल रही हूँ गिलास में। तो मैं यहाँ पर नमक चेक कर रही थी नमक बराबर है या नहीं, तो मुझे कम लगा तो मैंने नमक इसमें ऐड करी। इसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड करी, पहले 1 गिलास ऐड करी, ये 1 गिलास, 2 गिलास पानी ऐड करके अब हम इसको 1 सीटी लगा के 10 मिनट लो पे रखेंगे। तो यहाँ पर देखो 10 मिनट हो गए, और 10 मिनट से ज़्यादा ही रखी मैंने, तो गोश्त जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से गल गया था, मतलब बहुत ज़्यादा ही गल गया था। अब मैंने क्या करी, फिर से इसमें हम डालेंगे पानी और दाल। तो दाल का पानी जो है मैंने निकाल दी थी भीगी हुई दाल का, इसके बाद मैंने इसमें दाल डाल दी गैस चालू करके। इसके बाद हम इसमें और थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि दाल भी गलने के लिए पानी चाहिए ना, तो इतना पानी डालेंगे अंदाजे से कि हमारी दाल गल के जितनी हमको रखना है पतली गाढ़ी वो हिसाब से हमारी हो जाए। तो यहाँ पर मैं फिर से नमक चेक कर रही थी, तो अब क्योंकि दाल भी हमने इसमें डाले तो नमक और लगेगा इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा और नमक इसमें ऐड करी। और अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देंगे अच्छे से हिला के, 1 सीटी आने देंगे। 1 सीटी आने के बाद 5 से 7 मिनट कम गैस पर रखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5 से 7 मिनट बाद मैं इसको अभी खोल रही हूँ कुकर को, तो हमारा दाल गोश जो है रेडी है माशाल्लाह, ये देखो। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि दाल जो है ना नीचे चिपकने से पहले हमें बंद करना है गैस, वरना ये देखो ये थोड़ी थोड़ी चिपक रही थी, मतलब अभी चिपकने वाली थी, अगर चिपक जाएगी ना नीचे तो फिर आपके दालचे का जो है दाल गोश का टेस्ट एकदम बिगड़ जाता है, क्योंकि उसमें पूरा जला हुआ स्मेल आने लगता है। तो इसके लिए उसको जलने नहीं देना है बिल्कुल भी, 5 मिनट भी आप रखेंगे ना तो दालें आपकी गल जाएंगी। तो गोश्त तो आज इनकी पसंद का गला है, तो कैसी लगी आप लोगों को सिंपल और इजी रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पर मैं ऊपर से धनिया डाल रही हूँ, मेरे पास पुदीने के पत्ते नहीं थे, अगर होते तो मैं वो भी डालती। लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना, और दुआ में याद रखना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कल मिलेंगे वापस, और ब्लॉग इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगी अभी।